हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जोरी फोटोग्राफी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से वैलेंटाइन डे का फोटो बिल्कुल इजी तरीके से आप एडिट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप ओपन करना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले पहला पीएनजी है उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें और उसे फिर ब्लेंड ऑप्शन पे जाके स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद और पीएनजी ऐड करने के बाद अब आप मॉडल की पीएनजी को ऐड करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड इरेज करके रखा हुआ है। इस तरह से आप इस पोज में आप फोटो को क्लिक करा लें और उसका बैकग्राउंड इरेज करके पेस्ट कर लें। फिर सेकेंड पीएनजी है हमारा, इसे ऐड कर लें। जैसे जैसे मैं जो पीएनजी ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी वो पीएनजी ऐड करते जाएं। फिर इस रोज को हाथों में अच्छे से एडजस्ट कर लें। सबसे पहले तो फ्लिप रोटेशन में जाके उसे फ्लिप कर लेंगे और फिर उसे हल्का सा रोटेट करके अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो बाकी के पार्ट है उसे अच्छी तरह से इरेज कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इरेज करने के बाद अब अगला पीएनजी जो है हमारा है उसे ऐड कर लेंगे। उसे ऐड करके फुल स्क्रीन करके ब्लेंड ऑप्शन पे जाएंगे और उसे स्क्रीन कर लेंगे और स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा अच्छी तरह से उसे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। हाँ, एडजस्ट करने के बाद लास्ट पीएनजी हमारा है स्मोक का, उसे ऐड कर लेंगे और फिर अगेन ब्लेंड ऑप्शन पे जाके इसको स्क्रीन कर लेंगे। बस
जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सारे पीएनजी ऐड हो चुकी है, फ़ोटो बहुत ही धांसू बन चुका है। आप थोड़ा सा उसमें कलर करेक्शन करेंगे। फाइनली कलर करेक्शन के बाद अब उसे ड्रॉ ऑप्शन पे जाके फ़ोटो को सेव कर लेंगे। ड्रॉ ऑप्शन पे इसलिए जाके सेव करते हैं कि पिक आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सेव होगा। तो आप देख सकते हैं फुल एचडी में पिक एडिट हुई है। आप ऐसे कलर करेक्शन लाइटरूम एप्लीकेशन में भी जाके कर सकते थे। सो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।